वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन पर जल जीवन हरियाली का दिया गया संदेश। मंत्री अशोक चौधरी ने लगाए 70 पेड़। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। सीएम नीतीश के बर्थडे पर पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। पूरे बिहार में आज सूबे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंत्री विधायक से लेकर कार्यकर्ता सभी अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के 70वें जन्मदिन के मौके पर पोलो रोड इलाके में 70 पेड़ लगाए हैं। सियासी गलियारे से यह बात निकल कर आ रही है जहां तेजस्वी ने ममता बनर्जी से की मुलाकात। कांग्रेस और लेफ्ट का ऑफर ठुकराया। टीएमसी को समर्थन देने का किया ऐलान। यह खबर कोलकाता से सामने निकल कर आ रही है जहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। ममता से मुलाकात कर तेजस्वी यादव ने टीएमसी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। सड़क हादसे में हुई महिला की मौत, आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। बेगूसराय में सड़क हादसे से एक महिला की मौत हो गई है, वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भी भेज दिया गया है। विपक्ष ने मांगी सीएम नीतीश से मिठाई। विधानसभा में सीएम नीतीश को दी गई जन्मदिन की बधाई। अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार के सदन में पहुंचने के साथ उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। प्रेम विवाह करना पड़ गया महंगा, पति पत्नी की परिजनों ने कर दी धुनाई। एक युवक को लव मैरिज करना महंगा पड़ गया। युवक से नाराज परिजनों ने बीच सड़क पर दोनों पति पत्नी के जमकर धुनाई कर दी। सरेआम हो रही मारपीट के दौरान स्थानीय लोगों ने इस झगड़े को शांत कराया। बिहार में 209 करोड़ की लागत से बने स्वास्थ्य भवनों का शीघ्र होगा लोकार्पण। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की कड़ी को और मजबूत किया जाएगा। आने वाले दिनों में लगभग 209 करोड़ रुपए का तोहफा बिहार वासियों को मिलेगा। इस राशि से सूबे के 15 जिले में अस्पताल सहित सेवाओं के विभिन्न घटकों के भवन बनकर तैयार होंगे। कैमूर में अपराधियों ने गोली मारकर की शख्स की हत्या, जहां जांच में जुटी पुलिस। जिले में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देर शाम जिले के भभुआ शहर में अपराधियों ने एक व्यक्ति चंदन सिंह को गोली मार दी है। गोली लगने के बाद अस्पताल में ग्रामीण ने इलाज के लिए सदर अस्पताल भभुआ लाया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया, लेकिन बीच रास्ते में ही चंदन सिंह की मौत हो गई। शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य के मुद्दे पर सड़क पर उतरे हजारों युवा। सीएम नीतीश के जन्मदिन पर मनाया बेरोजगार दिवस। एक तरफ जहां जदयू सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मना रही है, वहीं दूसरी तरफ आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा ने इस दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। सोमवार को संगठन के हजारों युवा कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान में रैली निकालकर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हुए थे, जिसके कारण वह अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सके। प्रशांत किशोर अब कैप्टन के लिए करेंगे काम। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने पीके को बनाया अपना प्रधान सलाहकार। रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब कैप्टन के लिए काम करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना पल एडवाइजर बनाया है। वर्तमान के पीके बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रणनीतिकार हैं।
वे अभी बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने को लेकर रणनीति बना रहे हैं। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं, गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर, गठिया, पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात, होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस, मात्र 72 घंटे में असर शुरू, कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165 9431884830। आज की खबर में बस इतना ही, धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।